एक समय की बात है जब मनीषा नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। मनीषा को पढ़ाई करने का बहुत शौक था, पर गरीबी के कारण मनीषा के माँ बाप उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पाए थे। मनीषा घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। उसके बाबा बाहर काम करने चले जाते थे और उसकी माँ भी अक्सर घर के कामों में लगी रहती थी। मनीषा की माँ एक दिन मनीषा के बाबा का कुर्ता लेकर बैठी हुई थी और उसे सुई धागे से सिल रही थी। मनीषा उनको बड़े ध्यान से कुर्ता सिलते हुए देख रही थी। ये आप क्या कर रहे हो माँ? तेरे बाबा का कुर्ता फट गया तो बस उसी को सिल रही हूँ। मेरी गुड़िया की फ्रॉक भी फट गई है, इसे भी सिल दो ना माँ। ठीक है, जब टाइम मिलेगा तो इसे भी सिल दूंगी। अगले दिन जब मनीषा बच्चों के साथ बाहर खेलने गई होती है तो मनीषा की माँ मनीषा के आने से पहले उसकी गुड़िया के लिए नई फ्रॉक बना देती है। जब मनीषा खेलकर वापस आती है तो अपनी गुड़िया की नई फ्रॉक देखकर बड़ी ही खुश होती है। अरे वाह माँ, आपने तो कमाल ही कर दिया, इतनी सुंदर फ्रॉक बना दी आपने तो। आपको तो इतने सुंदर कपड़े बनाने आते हैं। हाँ बेटा, आते तो हैं, पर क्या करूँ, बस घर के कामों में कुछ कर ही नहीं पाते। तुम्हारे नाना जी कपड़े सिलने का ही काम करते थे, बस उनको देख देख कर मैंने भी कपड़े सिलना सीख लिया था। अरे वाह माँ, एक काम करो ना, आओ मुझे भी कपड़े सिलना सिखा दो, पूरा दिन मैं भी तो खाली ही बैठी रहती हूँ। ठीक है, मैं सिखा दूंगी। बस फिर खाली समय में मनीषा अपनी माँ से कुछ न कुछ सिलने का सीखती रहती थी। मनीषा को इस काम में बड़ा ही मजा आ रहा था। कुछ ही समय में मनीषा कुछ कुछ चीजें सिलना सीख गई थी। एक दिन मनीषा बाजार से कुछ सामान लेने जा रही थी कि उसे रास्ते में एक दुकान के आगे एक कपड़े का थान पड़ा हुआ दिखाई दिया। मनीषा उसके पास गई और इधर उधर देखने लगी। अरे क्या हुआ लड़की, इधर उधर क्या देख रही है? नहीं कुछ नहीं अंकल, मैं तो बस देख रही थी कि ये कपड़े का थान किसका पड़ा हुआ है। अरे ये तो मेरे यहाँ काम करने वाले लड़कों ने फेंक दिया। मैंने बोला था कि इसे थोड़ा दूर फेंक कर आए, पर इनसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता। आपने इतना सारा कपड़ा क्यों फेंक दिया अंकल? अरे बेटी, इस कपड़े को चूहे खा गए हैं, अब इस कपड़े को कौन ही खरीदेगा, इसीलिए मैंने फेंकवा दिया। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं इसे अपने घर ले जाऊं? अरे बेटी मुझे क्यों बुरा लगेगा, अगर ये तुम्हारे किसी काम का है तो जरूर ले जाओ। बस मनीषा फिर उस कपड़े को घर लेकर आ जाती है। उसके बाद वो कैंची और सुई धागा लेकर बैठ जाती है। उस दिन बस उसका सारा ध्यान उसी काम में लगा रहता है। भूखी प्यासी वो बस उसी में लगी रहती है। रात हो जाती है पर मनीषा अपनी जगह से नहीं हिलती। खाना खाने के बाद भी वो बस उसी में लगी रहती है। पूरी रात मनीषा बड़ी मेहनत करती है और सुबह तक एक बड़ी ही खूबसूरत ड्रेस बनाकर तैयार कर देती है। जब सुबह मनीषा की माँ उठती हैं तो वो मनीषा को वहीं सोते हुए देखती हैं। मनीषा के पास एक ड्रेस पड़ी होती है। जब उसकी माँ वो ड्रेस उठाकर देखती हैं तो देखती ही रह जाती है। वो ड्रेस बड़ी ही खूबसूरत होती है। इतने सुंदर कपड़े, इस लड़की ने तो इतने सुंदर कपड़े कैसे बनाए? मनीषा की माँ मनीषा को उठाती है और उसके बनाए कपड़ों की बड़ी तारीफ करती है। बेटा ये तो तूने कमाल ही कर दिया, एक बेकार से कपड़े से इतने सुंदर कपड़े बना डाले। क्या सच में ये इतने सुंदर है माँ? हाँ बेटा, ये तो सचमुच में बहुत सुंदर है, क्यों ना तुम यही काम शुरू कर दो। मनीषा को ये आइडिया बड़ा ही पसंद आता है। वो धीरे धीरे करके ये काम शुरू कर देती है और जैसे ही उसके पास थोड़े पैसे जमा होते हैं वो एक मशीन खरीद लेती है। मशीन खरीदने के पास उसके पास तो पहले से भी ज्यादा कपड़े सिलने के लिए आते हैं। अब तो मनीषा घर में ही अपनी दर्जी की दुकान खोल लेती है। अब तो हर जगह मनीषा की दर्जी की दुकान मशहूर हो जाती है और वो लोग अच्छा खासा कमाने लगते हैं। उन लोगों की आर्थिक स्थिति अब काफी सुधर जाती है और वो लोग एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। एक रात अचानक लाइट चली जाती है। उस वक्त मनीषा अपनी दुकान में किसी के कपड़े सिल रही होती है। अरे बेटा लाइट चली गई है, अब रहने दे बेटी, कल सिल लेना कपड़े। नहीं माँ, मुझे ये आज ही देने हैं, कल सुबह तो वो ये कपड़े लेने आ जाएगी, आप मुझे लैंप जला कर दे दो। ठीक है, दे देती हूँ।
मनीषा की माँ मनीषा के पास एक लैंप जलाकर रख देती है। मनीषा उस लैंप की रोशनी में कपड़े सिलने लगती है। उस रात मनीषा को काफी तेज नींद आने लगती है। मनीषा जागने की पूरी कोशिश करती है और कपड़े तैयार करने में जुटी रहती है। काफी देर हो जाती है और अचानक मनीषा की आंख लग जाती है। वो वहीं और तभी उसकी लैंप लुढ़क जाती है और वहां पर पड़े कपड़ों में आग लग जाती है। पर मनीषा अभी भी गहरी नींद में ही होती है। धीरे धीरे आग पूरी तरह फैल जाती है और मनीषा के पहने हुए कपड़ों में लग जाती है। मनीषा की तब जाकर आंख खुलती है और वो आसपास आग देखकर सकपका जाती है। वो जोर जोर से आग आग चिल्लाने लगती है, पर अब तक उसका पूरा शरीर आग पकड़ चुका था। मनीषा के माँ बाप शोर सुनकर बाहर आते हैं तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मनीषा उनकी आंखों के सामने जलकर राख हो जाती है और उसके माँ बाप रोते बिलखते रह जाते हैं। कुछ दिन बाद मनीषा के बाबूजी की मौत हो जाती है और घर में खाने का एक भी दाना नहीं बचता। मनीषा की माँ की हालत बड़ी खराब होने लगती है। वो जैसे तैसे दिन गुजारने लगती हैं और बस बेटी और पति के गम में रोती रहती हैं। एक दिन मनीषा की माँ मनीषा की दुकान की साफ सफाई करने लगती हैं। कितना सही चल रहा था सब, भगवान जाने किसकी नजर लग गई। इतना कहकर मनीषा की माँ वहाँ से चली जाती हैं। अब मैं वापस आ गई हूँ, मैं आपको ऐसी जिंदगी नहीं जीने दूंगी माँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी माँ। बस चुड़ैल सिलाई शुरू कर देती है। सुबह तक चुड़ैल एक खूबसूरत सी ड्रेस बनाकर तैयार कर देती है। उसके बाद वो ड्रेस को उस हैंगर पर टांग देती है और गायब हो जाती है। सुबह जब मनीषा की माँ उठती हैं तो उसका ध्यान उस ड्रेस पर पड़ता है। वो ये सब बड़ी हैरानी से देख रही होती हैं। ये ड्रेस यहाँ कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है। मनीषा की माँ उस ड्रेस को देख ही रही होती है कि तभी एक लड़की वहाँ आ जाती है। आंटी जी, क्या मेरी ड्रेस तैयार हो गई? कौन सी ड्रेस? अरे ये तो रही। ये ड्रेस तुम्हारी है? जी आंटी जी, मेरी ही है। मनीषा दीदी ने बोला था कि 20 तारीख को ले जाना। आज 20 तारीख ही तो है। वैसे मनीषा दीदी तो बिल्कुल टाइम की पक्की हैं। वैसे वो हैं कहाँ? खैर अभी वो सब छोड़ो, आप ये पैसे पकड़ो, मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, उनसे बाद में मिलूंगी। वो लड़की मनीषा की माँ के हाथ में पैसे पकड़ाती है और वहाँ से फटाफट निकल जाती है। मनीषा की माँ को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता तो बस वो अपने हाथ में रखे हुए पैसे को देखती रहती है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। खैर जो भी हो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, तो अब इन पैसों से हमें बहुत मदद मिल जाएगी। उस दिन की बात को मनीषा की माँ नजरअंदाज कर देती है, पर रात को फिर से वही होता है। आधी रात में फिर से वही दर्जी चुड़ैल आती है और कपड़े सिलने शुरू कर देती है। वो पूरी रात में दो जोड़ी कपड़े सिलकर तैयार कर देती है। आज का काम तो हो गया मेरा, कल सुबह अब वो औरतें आकर अपने कपड़े ले जाएंगी और बस फिर माँ को अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, सब परेशानी धीरे धीरे हल हो जाएगी। चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। सुबह फिर से मनीषा की नज़र उन कपड़ों पर पड़ती है। इस बार तो वो बड़ी ही हैरान रह जाती है। ये सब आखिर क्या हो रहा है? ऐसे तो मनीषा यहाँ कपड़े सिलकर टांग दिया करती थी, पर अब यहाँ ऐसे रातों रात कौन कपड़े बना कर जाता है? आज रात मुझे इसका पता लगाना ही पड़ेगा। उस दिन मनीषा की माँ रात होने का इंतजार करती है। जब रात हो जाती है तो वो अपने कमरे की खिड़की से टकटकी लगाए देखती रहती है। आधी रात होते ही वहाँ पर एक चुड़ैल आती है। वो स्टूल पर बैठकर कपड़े सिलना शुरू कर देती है। मनीषा की माँ के तो ये सब देखकर होश ही उड़ जाते हैं। चुड़ैल, ये सब इस चुड़ैल का काम है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा, आखिर एक चुड़ैल ये सब क्यों कर रही है? मनीषा की माँ बड़े ही ध्यान से सब देखती रहती है। वो चुड़ैल फटाफट कपड़े सिलती रहती है। अब तक वो दो तीन जोड़े कपड़े सिलकर तैयार कर देती है। देखो तो कितने सुंदर लग रहे हैं ये कपड़े, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा अच्छे कपड़े सिलने लगी हूँ। इतने सुंदर कपड़े तो मैं तब भी नहीं बना पाती थी जब मैं जिंदा थी। जिंदा थी? मतलब मतलब ये मनीषा है? मेरी बेटी मनीषा है ये? हे भगवान, मैं कैसे नहीं जान पाई कि ये मनीषा ही हो सकती है।
आखिर कौन ही हो सकता है उसके अलावा जो ये कपड़े बना पाता। ये तो मेरी मनीषा ही हो सकती थी। बस अब मैं क्या करूँ? क्या मैं इसके पास जाऊँ? नहीं नहीं, मैं इसके पास गई तो कहीं ये गायब न हो जाए और शायद कभी दोबारा वापस न आए। मनीषा की माँ बस इसी डर से चुप रहती है। वो बस रोज की रात को अपनी बेटी को चुड़ैल के रूप में कपड़े सिलते देखती रहती।